गुड इवनिंग बच्चों, आज आपकी नेक्स्ट क्लास है फ्रीजिंग के ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग प्रोसेस ऑफ सेलेक्टेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इससे पहले हमने ओस्मो डिहाइड्रेशन पढ़ा था। आई होप सो कि आप लोगों ने वहाँ तक का सिलेबस कवर कर लिया होगा। अब तक आगे का सिलेबस हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग जो है एक प्रिजर्वेशन मेथड है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए। लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन का एक मेथड है। इससे पहले और मेथड्स जो आपने पढ़े हैं, जैसे ड्राइंग है, डिहाइड्रेशन है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट मेथड्स से, थर्मल प्रोसेसिंग लाइक कैनिंग, पास्चुराइजेशन, स्टरलाइजेशन, वो भी मेथड थे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने के। उसके बाद जो ये मेथड आ रहा है नेक्स्ट है हमारा आज का जो चैप्टर है फ्रीजिंग के ऊपर। फ्रीजिंग उन सब से देखो कैसे अलग है। फ्रीजिंग के मेजर एडवांटेजेस क्या हैं अगर हम बाकी सब मेथड से कंपेयर करते हैं तो? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ्रीजिंग करने के बाद किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो है उसके कलर, अपीयरेंस, टेस्ट जो है बेसिकली वो एज सच रहता है जो कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का होता है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, पोषक तत्वों का जो लॉस होता है, वो बहुत ही कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन। इसमें लॉस कम होता है और हमें जो क्वालिटी मिलती है प्रोडक्ट की वो वैसी ही मिलती है जो कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की होती है। बाकी ये सब जो एडवांटेजेस हैं जनरली दूसरे मेथड से हमें नहीं मिलती। और बेसिक एडवांटेज तो रहेगा ही लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन। ज़्यादा टाइम तक जब हम प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहले देखो इस मेथड की डिस्कवरी कहाँ से हुई थी। फ्रीजिंग जो है वो प्रिजर्वेशन मेथड है, इसको सबसे पहले कैसे पता चला कि लास्ट हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर क्या किया कि ऐसा रियलाइज़ किया लोगों ने कि जब ठंडा वेदर होता है, ठंडा मौसम है, लाइक सर्दी का मौसम है, तो उस टाइम पे कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल है वो उतनी जल्दी ख़राब नहीं हो रहे जितनी कि गर्मी के मौसम में ख़राब हो रहे, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, उसके बाद उसके ऊपर दूसरे एक्सपेरिमेंट करने शुरू हुए, लाइक नेचुरल अकरिंग जो स्नो एंड आइस है, बर्फ की हेल्प से आउटर साइड पे लगा के फ्रूट एंड वेजिटेबल की, ये देखा गया कि जब तक वो ठंडा रह रहा है तब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से बचा रह रहा है। इसके बाद देखो नेक्स्ट सेकेंड पैराग्राफ से, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। लंबे टाइम के लिए अगर आप प्रिजर्व करना चाहते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल को तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है फ्रीजिंग। लो टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रेफ्रिजरेशन और चीलिंग लाइक 0 to 5 degrees Celsius, सूटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ पोटैटोज, एप्पल्स एंड अदर पेरिशेबल्स। नेक्स्ट जो है फ्रीजिंग, पहला है रेफ्रिजरेशन या फिर चीलिंग। जनरली हम घरों में जो फ्रिज यूज़ कर रहे हैं तो फ्रिज के अंदर, फ्रिज या फिर हम उसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोसेस हो रही है वो क्या चल रही है, रेफ्रिजरेशन की प्रोसेस है। और उसमें जो टेम्परेचर है वो 0 to 5 degrees Celsius का, वो नॉर्मली जिस प्रोडक्ट के लिए होती है, जैसे पोटैटोज हैं, एप्पल्स हैं, जो उनको ठंडा भी रखता है और वो एक तरह से शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन होती है, ठीक है। अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, लंबे टाइम के लिए करना चाहते हैं, तो हम रेफ्रिजरेशन की बजाय जो मेथड यूज़ करेंगे वो फ्रीजिंग मेथड यूज़ करेंगे, जैसा कि इसमें बी पॉइंट के अंदर दे रखा है। फ्रीजिंग के अंदर इसमें जो टेम्परेचर यूज़ हो रहा है -18 to -40 degrees Celsius, इसी तरह से रेफ्रिजरेशन का जो टेम्परेचर था 0 to 5 degrees Celsius। इसमें जो ये टेम्परेचर रेंज है यही मेन है। इसके बाद देखिए, सूटेबल फॉर स्टोरेज ऑफ मोस्ट ऑफ द पेरिशेबल्स एट टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर -18 to -14, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम एक्टिविटी आर रिड्यूस्ड टू मिनिमम। मोस्ट पेरिशेबल फूड्स कैन बी प्रिजर्व फॉर सेवरल मंथ्स इफ़ द टेम्परेचर इज ब्रॉट डाउन क्विकली। अगर हम एकदम से टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो इसके जो हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन है कई महीनों तक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डिफरेंस बिटवीन कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। अगर हम बात करते हैं प्रिजर्वेशन बाय लो टेम्परेचर, ये एक तरह से हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लो टेम्परेचर से हम कैसे प्रिजर्व करें, तो इसमें हम लो टेम्परेचर से अगर प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही टाइप नहीं है फ्रीजिंग, बल्कि इसको तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। फर्स्ट है कूल स्टोरेज या फिर कोल्ड स्टोरेज भी कहा जाता है इसको, सेकेंड है रेफ्रिजरेशन और थर्ड है फ्रीजिंग। तीन टाइप्स हैं इसके, कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, तीन कैटेगरीज हैं। तीनों में ही लो टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लो टेम्परेचर की जो रेंज है वो तीनों टाइप्स के अंदर अलग अलग है।
तीनों के अंदर जो टेम्परेचर रेंज है वो अलग अलग है, और टेम्परेचर रेंज अलग अलग है वो किस बेसिस पे है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए, अलग अलग जो वेराइटीज़ हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की उनको अलग अलग टाइप का ट्रीटमेंट चाहिए प्रिजर्वेशन के लिए। और इसके अलावा हम कितने टाइम तक उसकी प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, अगर हम शॉर्ट टर्म प्रिजर्वेशन चाहते हैं तो हम कूल स्टोरेज का यूज़ करेंगे या फिर रेफ्रिजरेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन करना चाहते हैं, किसी भी फ्रूट एंड वेजिटेबल को लंबे टाइम तक स्टोर करना चाहते हैं, तो हम फ्रीजिंग का यूज़ करेंगे। और तीनों की देखिए यहाँ पे टेम्परेचर रेंज दे रखी है, जैसे टेम्परेचर कोल्ड स्टोरेज में 16 to -2 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेशन में 4.5 to 7 डिग्री सेल्सियस है, ओके, फ्रीजिंग के अंदर दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस टू लोअर, इसी तरह से फ्रीजर स्टोरेज -18 डिग्री सेल्सियस। अब एक चीज़ और इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, चाहे हम कूल स्टोरेज कर रहे हैं, चाहे हम रेफ्रिजरेशन कर रहे हैं, या फिर फ्रीजिंग कर रहे हैं, या फ्रीजर स्टोरेज कर रहे हैं, ओके, टेम्परेचर रेंज हमें पता है क्या टेम्परेचर रेंज है। अब जब भी हमने जिस भी टेम्परेचर के अंदर स्टोर करना है फ्रूट एंड वेजिटेबल को, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। मेंटेन लाइक अगर हमने -2 डिग्री सेल्सियस पे रखा है किसी फ्रूट एंड वेजिटेबल को, तो वो टेम्परेचर -2 ही रहे, उससे रेज नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को। फ्रोजन फूड प्रोडक्ट कोई भी हो, उसकी क्वालिटी को अफेक्ट क्या करेगा कि उसके अंदर हमने जो टेम्परेचर स्टोरेज के टाइम पे रखा है, जितने टाइम तक हम स्टोर करने वाले हैं, वो टेम्परेचर उस टाइम तक मेंटेन रहे। बिकॉज इसका अफेक्ट कहाँ पड़ने वाला है, आइस क्रिस्टल्स के ऊपर। जब हम फ्रोजन स्टोरेज करते हैं तो उसके अंदर आइस के क्रिस्टल्स बनते हैं। एक तो अगर हम टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो उसमें स्मॉल आइस क्रिस्टल्स बनेंगे, जिससे जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, बनी रहेगी, एज सच बनी रहेगी, जो कि फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की थी। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ जाता है, या फिर हमने जो प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला है हाई टेम्परेचर पे, ओके, या फिर उसको कम किया है, तो इससे क्या होगा कि उसके अंदर जो आइस क्रिस्टल का साइज है वो बढ़ जाएगा, जिसको कहते हैं लार्ज साइज ऑफ आइस क्रिस्टल्स, जो कि क्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है। इससे जो क्वालिटी है वो एज सच नहीं रहती प्रोडक्ट की, ओके। इसके बाद देखिए और भी इसके अंदर बेसिक डिफरेंस जो चलेगा इन टाइप के अंदर, वो तो है टेम्परेचर का ही। इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिफरेंस भी है, दूसरा पॉइंट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दे रखा है टेम्परेचर के बाद। कोल्ड स्टोरेज के अंदर ओनली स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं रैपिडली, कितने टेम्परेचर पे, -10 डिग्री सेल्सियस पे। इसी तरह से रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे क्या है कि पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं स्लोली, साइक्रोट्रॉफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो करते हैं। फ्रीजिंग या फ्रोजन स्टोरेज की बात आई तो इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती स्पॉयलेज और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बल्कि जो है वो मल्टीप्लीकेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। इफ़ फूड इज थॉड, अगर उसकी थाइंग कर ली जाती है देन मल्टीप्लीकेशन होती है, अदरवाइज कोई भी स्पॉयलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है। तो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए ओनली फ्रीजर स्टोरेज का ही यूज़ कर लिया जाता है। लेकिन जहाँ इतने एडवांटेज हैं फ्रीजिंग के, अगर हम बात करें कि फ्रीजिंग से हम लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, अपीयरेंस टेस्ट एज सच बना रह रहा है, लेकिन इसके कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है इसके अंदर कि ये बहुत कॉस्टली मेथड्स पड़ता है, इसके लिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ करने पड़ते हैं, फ्रीजर्स हैं, कंप्रेसर्स का यूज़ करना पड़ता है, ओके, तो वो बहुत ही कॉस्टली मेथड है, इंस्ट्रूमेंट्स की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा टेम्परेचर को मेंटेन करना एक बहुत ही बड़ा टारगेट है इसके अंदर। टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तभी फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो क्वालिटी है वो एज सच बनी रहेगी। और एक चीज़ और कि इसके बाद अगर हम फ्रोजन स्टोरेज कर रहे हैं, हमने प्रॉपर टेम्परेचर भी मेंटेन किया है, लेकिन इससे क्या होगा, टेम्परेचर तो मेंटेन किया है, उसके बाद हम इसकी हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं प्रोडक्ट की, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको लेकर जाना है, तब भी हमें वही टेम्परेचर मेंटेन करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसकी कॉस्ट को इंक्रीज़ करता है। इसीलिए हमारे पास जो फ्रोजन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं उनकी कॉस्ट जो होती है वो फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल के कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल सफल मटर का आप एग्जांपल ले सकते हैं, उनकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। ज़्यादा क्यों पड़ती है, क्योंकि उनकी स्टोरेज के अंदर ऑलरेडी इतनी कॉस्ट आ चुकी है स्टोरेज के टाइम पे, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के टाइम इतनी कॉस्ट आ चुकी है कि जो कस्टमर को पे करनी ही पड़ेगी,
ओके इसके बाद देखो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हम इसकी एंडिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस फ्लो ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल। डिफरेंट टाइप की फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का आपके सिलेबस के अंदर है। ये कॉमन एक फ्लो डायग्राम है जो सभी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के लिए फ्रीजिंग पे इंप्लीमेंट होता है। जैसे स्टार्टिंग में पहला स्टेप है रॉ मटेरियल, कोई भी रॉ मटेरियल जो है वो लिया जाएगा। देन सेकंड फैक्ट्री गेट इंस्पेक्शन, जब रॉ मटेरियल किसी भी फैक्ट्री के अंदर एंट्री करता है तो उसकी गेट के ऊपर इंस्पेक्शन की जाती है, जांच की जाती है। देन प्रेपरेशन, प्रेपरेशन के अंदर डिफरेंट टाइप के आए हैं प्रोसेस, जैसे क्लीनिंग या फिर वॉशिंग, पीलिंग हो गया, स्लाइसिंग, डाइसिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ब्लांचिंग, ब्लांचिंग हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, पता है आप सबको, और बेसिकली ये क्यों करते हैं, एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए। देन ब्लांचिंग के बाद है फ्रीजिंग जो हमारा मेन स्टेप है। ब्लांचिंग के बाद यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल जो फ्रीजिंग के लिए अभी तैयार हुआ है, फिर इसकी फ्रीजिंग की जाएगी ब्लांचिंग के बाद। देन कोल्ड स्टोरेज एंड पैकेजिंग, इसको कोल्ड स्टोर के अंदर रखा जाता है, पैकेजिंग की जाएगी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन जहाँ भी इसको लेकर जाना है वहीं इसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाती है। इन्हीं पॉइंट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन किया गया है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बताऊंगी। ये जैसे इसका पहला स्टेप है प्रेपरेशन फॉर फ्रीजिंग, प्रेपरेशन फॉर फ्रीजिंग के अंदर फ्रीजिंग के लिए प्रिपेयर करना है तो कोई भी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स है उसकी क्लीन करना, उसका छिलका उतारना, उनको पीसेस के अंदर कट करना, वो सब चीज़ें। और मेन्स इन सब करते हुए क्या ध्यान रखना है कि कोई भी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। फ्रीजिंग से पहले ये इंश्योर कर लेना है कि किसी के अंदर कोई ख़राबी ना हो, कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल जो ख़राब क्वालिटी का है वो फ्रीजिंग के अंदर नहीं जाना चाहिए। ओके तो प्रेपरेशन के अंदर यही सारे स्टेप्स हैं जिनको बताया गया, ये सब आप पढ़ोगे। लेकिन ये जो ट्रीटमेंट हैं, जो प्रोसेस हैं, वॉशिंग, क्लीनिंग, पीलिंग, स्लाइसिंग, डाइसिंग, ये जो है वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के ऊपर। अलग अलग जो फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं उनको अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे इसमें एक एग्जांपल बता रखे हैं, जो पीज हैं, मटर, इनकी जब ग्रेडिंग की जाती है वो ड्रम सीव्स से की जाती है, ड्रम सीव्स का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसके कंपैरेटिवली ग्रीन बीन्स अगर यूज़ कर रहे हैं फ्रीजिंग के लिए, तो इसमें क्या करते हैं, ग्रीन बीन्स के अंदर पोर्ट डायमीटर के अकॉर्डिंग, पोर्ट डायमीटर को लेके तब की जाती है इसके अंदर, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप के ग्रेडर्स यूज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए जो ग्रेडिंग स्टेप है वो अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल पे डिफरेंट टाइप से इम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लांचिंग क्या होता है। ब्लांचिंग क्या है, जब हम प्रिपेयर कर लिए हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल को, प्रिपरेशन के अंदर हमने क्लीनिंग, पीलिंग, स्लाइसिंग, ये सब जब हमने कर लिया है, तो उसके बाद हमारा अगला स्टेप है ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या है ये सब आपको पता है, ये हर एक चैप्टर के अंदर ऑलमोस्ट रिपीट हो रहा है। ब्लांचिंग क्या होता है, ब्लांचिंग हॉट वाटर ट्रीटमेंट है। ओके हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो एंजाइम्स को इनएक्टिवेट करने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करने के लिए होता है, एक तरह से स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को किल करता है, और इसके अलावा जो ऑफ फ्लेवर है, ऑफ कलर है, उन सबको भी रिमूव करने के काम आता है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को इसमें रिपीट किया गया। स्टार्टिंग से देखिए, ब्लांचिंग इज़ ए की फैक्टर इन द सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी फ्रोजन वेजिटेबल। इट्स पर्पसेस इंक्लूड रिडक्शन ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन, क्लीनिंग द वेजिटेबल्स, एक्सपेलिंग गैसेस फ्रॉम वेजिटेबल टिश्यूज, ओके, एंड फिक्सिंग द कलर इन एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम दैट वुड अदरवाइज कॉज डिटीरियोरेशन इन फ्लेवर एंड टेक्सचर ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ओके लॉन्ग टर्म अगर हम स्टोरेज करना चाह रहे हैं तो फ्लेवर को, टेक्सचर को किसी भी तरीके से ख़राब होने से रोकने के लिए ये सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। इसके बाद चलिए फ्रिज ब्लांचिंग के ही एडवांटेजेस बता रखे हैं पॉइंट वाइज, ये पढ़ लोगे आप इसको। इसके बाद जो इसमें मेन है, हॉट वाटर ब्लांचिंग इज़ कैरीड आउट, हॉट वाटर ब्लांचिंग इज़ कैरीड आउट बिटवीन 75 to 95। ये टेम्परेचर रेंज है जो अलग अलग फ्रूट एंड वेजिटेबल पे डिफरेंट डिफरेंट इम्प्लीमेंट होती है। ये एक रेंज बता रखी है 75 से 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेंज है, और टाइम है 1 से 10 मिनट का टाइम। बाकी ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंडिविजुअल वेजिटेबल पीसेस, अलग अलग वेजिटेबल्स के ऊपर ये वेरी करती रहती है, जो रेंज है वो चेंज होती रहती है। ओके इसके बाद देखिए, टिपिकल टाइम फॉर वाटर ब्लांचिंग एट 95 आर 2 to 3 minutes फॉर ग्रीन बीन्स एंड ब्रोकली। जैसे अब इनके लिए है ग्रीन बीन्स, ब्रोकली के लिए टाइम पीरियड कुछ और है, टाइम कुछ और है, टेम्परेचर कुछ और है। जैसे ब्रूशल्स स्प्राउट्स हैं, इनके लिए टाइम चेंज हो जाएगा,
पीज हैं, तो इस तरह से डिफरेंट फ्रूट एंड वेजिटेबल के लिए जो टाइम भी है वो अलग अलग होगा और टेम्परेचर भी चेंज होता रहता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है फ्रीजिंग, जो हमारा मेन स्टेप है, जिसके लिए हम अभी से क्या कर रहे थे, इससे पहले हम फ्रूट एंड वेजिटेबल को तैयार कर रहे थे फ्रीजिंग के लिए। तो अब फ्रीजिंग के अंदर देखो, इन कमर्शियल टर्म्स फ्रीजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम प्लांट टिश्यू। फ्रीज का मतलब हम किसी भी चीज़ को पहले तो ठंडा करेंगे, तभी जमने की स्टेट में आएगा, आइस तो बाद में बनेगी उसके अंदर। तो जब हम उसको ठंडा कर रहे हैं तो जितनी भी हीट है उसमें से रिमूव करना, वो फ्रीजिंग प्रोसेस कहलाती है। और हीट को कितना रिमूव करना है, कितने टेम्परेचर तक लेके जाना है फ्रूट एंड वेजिटेबल को, तब तक कि जब तक उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रो के कोई चांसेस ना रहे और वो लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लायक नहीं हो जाता है। ओके, हीट फ्रॉम प्लांट टिश्यूज अंटिल सच टेम्परेचर्स आर रीच दैट दे बिकम स्टेबल फॉर एन एक्सेप्टेबल लेंथ ऑफ टाइम, मतलब इतने टाइम के लिए कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट इज़ यूज टू अचीव दिस इन द फैक्ट्री। अब ये वाला जो है इक्विपमेंट्स हम जनरली फैक्ट्रीज के अंदर ही अचीव कर सकते हैं। एंड टेम्परेचर रीच इन कोल्ड स्टोरेज आर कोल्डर देन -18 डिग्री सेल्सियस, विच गिव मोस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट ए शेल्फ लाइफ ग्रेटर देन 12 मंथ्स। इसमें अगर हम टेम्परेचर यूज़ कर रहे हैं -18 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो 12 महीने की शेल्फ लाइफ तक पहुंचा सकता है किसी भी फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को। तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेथड है लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेफ्रिजरेशन रिकॉग्नाइज टू टाइप ऑफ फ्रोजन फूड्स। अब दो टाइप के फ्रोजन फूड को डिवाइड किया गया है, जैसे पहला है फ्रोजन फूड और दूसरा क्विक फ्रोजन फूड। फ्रोजन एंड क्विक फ्रोजन फूड दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया। इन्हीं को देखो नीचे एक्सप्लेन किया गया, फॉर्मर अप्लाई, फॉर्मर का मतलब पहले हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड पे मेनली इंप्लीमेंट होता है मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट, जिनकी स्टोरेज की जाती है -10 पे और इससे भी कोल्ड टेम्परेचर पे। इसी तरह से क्विक फ्रोजन फूड कौन से हैं, ये वो हैं जो अप्लाई किए जाते हैं -18 और कोल्डर टेम्परेचर के ऊपर। उसके लिए टेम्परेचर रेंज अलग है फ्रोजन फूड के लिए। जिनको हम क्विकली फ्रोजन करना चाहते हैं उसमें टेम्परेचर रेंज है -18 डिग्री सेल्सियस। ऑल वेजिटेबल्स एंड मोस्ट फ्रूट इन UK आर द क्विक फ्रोजन। यूनाइटेड किंगडम के अंदर मेनली जो है जो जितने भी फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं उनको क्विक फ्रोजन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो आप इसकी थोड़ी डिटेल पढ़ोगे यहाँ से कि अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग के अंदर यूज़ करने वाला सबसे ज़्यादा मेथड और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, फ्लूडाइज्ड बेड फ्रीजर्स की हेल्प से फ्रीजिंग की जाती है। और फ्लूडाइज्ड बेड फ्रीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक तो वो होते हैं जिसमें जो बेड है वो फिक्स पोजिशन में होता है, लेकिन एक वो होता है जिसमें वन और मोर मूविंग स्टेनलेस स्टील मैश या परफोरेटेड प्लास्टिक की बेल्ट्स लगी होती है। ओके, इन्हीं की आगे डिटेल दी गई है। इसमें देखो आप क्वालिटी ग्रेडिंग, जब फ्रीजिंग हो गई है डिफरेंट मेथड से, अगर हमने फ्रीजर्स का यूज़ किया फ्लूडाइज बेड फ्रीजर की हेल्प से फ्रीजिंग कर दी है, तो फ्रीजिंग के बाद क्वालिटी ग्रेडिंग, क्वालिटी को एक तरह से चेक करना कि जो हम क्वालिटी चाह रहे थे, जो खरीदने वाला है, बायर है, कस्टमर है, जो उसके स्टैंडर्ड्स हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हमें वो सब चीज़ें मिल रही हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल जो फ्रोजन है या फिर नहीं मिल रही हैं। तो क्वालिटी ग्रेडिंग के अंदर ये सब चेक किया जाता है, वो जो हम जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं जो कि फैक्ट्री के द्वारा जो भी उनकी बनाई गई है इंडस्ट्री के द्वारा, उन सब से मैच करना स्टैंडर्ड से क्वालिटी ग्रेडिंग के अंदर किया जाता है। पैकेजिंग में क्या होता है, पैकेजिंग यूज फॉर फ्रोजन वेजिटेबल मस्ट प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम डिहाइड्रेशन बाय प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव बैरियर टू द मॉइस्चर वेपर। पैकेजिंग एक तरह से एक बैरियर लगा दिया जाता है, ऐसे बैरियर चाहे वो पॉलीथीन पैक्स हैं या कोई भी तरह का पैकेजिंग मटेरियल, वो एक तरह का बैरियर या रुकावट है जो मॉइस्चर को अंदर एंट्री होने से रोकता है। तो पैकेजिंग का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके बाद ही जो है वो हम रिकंटेमिनेशन के चांसेस कम होते हैं। अगर हमने पैकेजिंग अच्छे से नहीं किया तो हमने जितना भी काम किया अब तक का, जितने भी स्टेप किए हैं वो सारे बेकार हो सकते हैं, क्योंकि रिकंटेमिनेशन जो है वो दोबारा से हो सकती है, दोबारा से वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं जिन सबको हमने किल किया है, जिनके लिए हमने ये सब ट्रीटमेंट्स किए। तो पैकेजिंग और पैकेजिंग मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रिजर्व करके रखे लॉन्ग टर्म के लिए।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एडवांटेजेस जैसा आपको मेन मेन बताया है, एडवांटेजेस के अंदर जैसे पहला स्टेप देखिए द फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट क्लोजली रिसेंबल देयर फ्रोजन काउंटर पार्ट्स इन फ्रेशनेस सिंस द मेटाबोलिक एक्टिविटीज़ आर अरेस्टेड टू सच एन एक्सटेंट दैट ऑल द एंजाइम्स आर इनएक्टिवेटेड एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर अंडर कंट्रोल। इसमें क्या है कि जितने भी हमें फ्रोजन फ्रूट एंड वेजिटेबल है उसकी क्वालिटी फ्रेश जैसी लगेगी, ये सबसे बड़ी एडवांटेजेस है। जनरली जितने भी हम मेथड करते हैं प्रिजर्वेशन मेथड, उनके अंदर जो क्वालिटी है टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, जो कि इसमें नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, जैसे द टेस्ट फ्लेवर एंड कलर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्रिजर्व टू मैक्सिमम जो है वो टेस्ट फ्लेवर कलर भी बना रहता है। इसके अलावा दे हैव हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बने रहते हैं, सच न्यूट्रिएंट्स का जो लॉस होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो भी हाई होती है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ इज फ्रोजन वेजिटेबल हैव ऑलरेडी बीन सब्जेक्टेड टू ए हीट ट्रीटमेंट, दे रिक्वायर लेस टाइम फॉर कुकिंग। इसमें ऑलरेडी जो है वो हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाए जा चुके हैं, लाइक ब्लांचिंग के टाइम पे जैसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे प्री कुकिंग हो जाती है, और इसलिए बाद में जो इनको पकाने में जो टाइम है वो कम लगता है, तो इससे कुकिंग टाइम जो है वो भी कम हो जाता है। फिफ्थ है नेक्स्ट ग्रेटर कन्वीनियंस इन हैंडलिंग एंड प्रेपरेशन, हैंडल करने में बहुत ही ईजी रहता है इसको। नेक्स्ट है इसके बाद सिक्स पॉइंट, फ्रीजिंग इज ए सुटेबल चॉइस फॉर प्रिजर्विंग फ्रूट एंड वेज फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस के केस में भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो चॉइस है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो एंथोसायनिन्स एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स हैं, कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स सिंस द रिटेंशन ऑफ पिगमेंट इज मैक्सिमम, ऐसा जो है वो बने रहते हैं। नेक्स्ट देखिए दे ऑफर मोर हाइजीनिक फूड, इसके अंदर जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर होती है, तो इसको हम हाइजीनिक फूड भी कह सकते हैं बहुत ज़्यादा। 10% एडिबल पोर्शन ऑफ फूड इन ईच पैकेज। नेक्स्ट देखिए सिंस द डिग्रेडेटिव इफेक्ट ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज बाईपास्ड इन दिस, द मेथड ऑफ फ्रीजिंग कैन रिटेन द पिगमेंट ऑफ सच फ्रूट जूसेज एंड कंसनट्रेट इन इट बेस्ट फॉर्म। यानी कि इसके अंदर जो डिग्रेडेशन के चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, तो यानी कि जैसा हमने फ्रूट एंड वेजिटेबल फ्रेश फॉर्म में यूज़ किया था वही हमें फ्रीजिंग के बाद भी मिलता है, तो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। वैल्यू फॉर मनी स्पेशली ऑफ सीजन, यानी कि अगर हम ऑफ सीजन के अंदर सपोज मटर का सीज़न नहीं है तो हमें सफल मटर जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, अगर हम जितना हम उसका पे करते हैं हमें जो है वो उस मनी का जो है एक तरह से वैल्यू मिलती है, क्योंकि हमें जो क्वालिटी है वो फ्रेश जैसी मिल रही है, ठीक है ना। तो हम जो हम कीमत दे रहे हैं वो हमारी जो है वो एक तरह से वसूल भी हो रही है, इसको हम ये कह सकते हैं। नो पोल्यूशन प्रॉब्लम इन कंज्यूमिंग एरियाज, तो इसमें कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी नहीं है। नेक्स्ट द वेस्ट कलेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, फ्रीजिंग के टाइम पे जो वेस्ट आते हैं उसका यूज़ भी किया जा सकता है डिफरेंट टाइप के बाई प्रोडक्ट्स बनाने में। अब जहाँ इसके इतने एडवांटेजेस हैं वहीं कुछ ना कुछ इसकी लिमिटेशन या फिर आप कह सकते हो इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है इसमें, वैसे तो इसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसा सच बने रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक वाटर सोल्यूबल जो वाइटामिन हैं, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन और मिनरल्स जो हैं वो दोनों आ जाते हैं, तो उनका जो है कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ परसेंट जो है वो लॉस हो सकता है। वो लॉस किस टाइम पे हो सकता है, जब ब्लांचिंग की जाती है, हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है इसको। नेक्स्ट है सेकंड, यूजर्स ऑफ क्विक फ्रोजन फूड नीड टू इन्वेस्ट ऑन फ्रीजर्स टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट टिल यूज। अब जो क्विक फ्रोजन फूड्स के जो यूज़र्स हैं, यूज़ करने वाले हैं, उनको फ्रीजर्स के ऊपर भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा इसकी जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसके बाद देखो प्रॉपर फ्रीजिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हैव टू बी डेवलप फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो अब इनको जो है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे भी वही फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए जो इनको फ्रोजन स्टोरेज के टाइम पे दिया है, तो उस टाइम पे जो फैसिलिटीज़ देंगे तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस आते हैं उनकी कॉस्ट भी काफ़ी हाई रहती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्विक फ्रीजिंग कैन बी हैंडल्ड एट द इंडस्ट्रियल लेवल बिकॉज इट इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड फ्रीजिंग इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल विच वुड नॉट बी फिजिबल ऑन ए स्मॉल स्केल। नेक्स्ट है सेल मार्केट हैव टू बी एस्टेब्लिश इन ऑल मार्केट विद रेफ्रिजरेटेड डिस्प्ले कैबिनेट्स, यानी कि अगर डिस्प्ले करने के लिए इसमें जो कैबिनेट्स यूज़ किए जाते हैं वो भी रेफ्रिजरेटेड,
अब फ्रोजन स्टोरेज की डिस्प्ले या फिर ऐड करने के लिए, एक तरह से मार्केट में लोगों को अवेयर करने के लिए कि फ्रोजन फूड एंड वेजिटेबल्स, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूज़ किए जाते हैं, तो इनकी डिस्प्ले के लिए भी इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि इनको ओपन में डिस्प्ले नहीं कर सकते, करेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। तो रेफ्रिजरेटेड सिस्टम होता है, तो हर चीज़ में जो है वो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसकी कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग फ्रीजिंग। ओके, थैंक यू।